नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग अक्सर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और उनकी कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो कुछ आप जानना चाहते हैं इस एजुकेशन की दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है सब कुछ आपको हम बताते हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है नॉन अटेंडिंग बीएड, मतलब कि बीएड जो कराई जाती है काफी यूनिवर्सिटीज से, काफी कॉलेजेस से। आज हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं हरियाणा से ये जो बीएड होती है, या बीएड मान लीजिए, बीएड, डीएड या एमएड मान लीजिए, स्पेशल बीएड मान लीजिए या उसको बीपीएड मान लीजिए, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट्स थे हमारे पास कि सर किस तरह से कॉलेज आपको परेशान करते हैं या क्या होती है नॉन अटेंडिंग बीएड जो कि आप बिना क्लास लगाए भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो आज की हमारी ये वीडियो आलोचना के और क्रिटिसिज्म का शिकार जरूर हो सकती है और आप लोगों को या फिर कुछ लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी क्या बिल्कुल जिंदगी चलती है इसी नॉन अटेंडिंग बीएड या किसी और कोर्स के आधार पर, उनको जरूर हमारी इस वीडियो से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों का ये एक एजुकेशनल चैनल है, हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम आप लोगों को सब कुछ बताएं एजुकेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आप लोग हम लोगों से पूछते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मेन रूप से चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, चार पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने ही हम लोगों से पूछे हैं हमारे कमेंट में जाकर, हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट किए हैं या फेसबुक पे कमेंट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या होता है नॉन अटेंडिंग बीएड, या क्या ये कोर्सेज होते हैं टीचिंग कोर्सेज जो कि नॉन अटेंडिंग में कराए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉलेज किस किस तरह से परेशान आप लोग करते हैं या कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है इसके अंदर कि आप एडमिशन लेने से पहले इन कोर्सेज में, जिन कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, डीएड, बीएड, एमएड, बीपीएड या स्पेशल बीएड और भी कुछ कोर्सेज होते हैं, उनमें लेने से पहले एडमिशन क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग रखेंगे और एडमिशन हो जाने के बाद क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है, कि गलती आप लोगों को भारी पड़ सकती है और यही कॉलेज या कंसल्टेंट आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। दोस्तों वन बाय वन हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, जो भी कोई नया है हमारे इस वीडियो पर देख रहा है पहली बार हमारी इस वीडियो को, वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगा नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों को मिल सके जो हम वीडियोस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। अब हम लोग बात कर ले दोस्तों क्या होती है नॉन अटेंडिंग बीएड। दोस्तों बीएड नॉन अटेंडिंग जो होती है या फिर कोई भी कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, यह होती है कि एक स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया वो क्लास तो नहीं लगा रहा है बट वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, एग्जाम भी देने जा रहा है, अपने प्रैक्टिकल्स भी कर रहा है और जब जब यूनिवर्सिटी बुला रही है उनको इंटरनल्स के लिए वो जा रहा है, वहां पर अपनी चीजें सारी पूरी कर रहा है। अब बात कर रहे हैं कि क्या ये जो नॉन अटेंडिंग कोर्स है क्या ये लीगल है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये इलीगल है क्योंकि नॉन अटेंडिंग कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड है नॉन अटेंडिंग कोई कोर्स करने में तो जाए और डिस्टेंस में एडमिशन ले या फिर पार्ट टाइम एडमिशन ले, बट क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में, हरियाणा से बात कर रहा हूं, जो बीएड या फिर जो दूसरे कोर्सेज होते हैं हरियाणा से टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज, डीएड, बीएड, एमएड या फिर स्पेशल बीएड, बीपीएड, इनकी मैं ही बात कर रहा हूं, तो ये इलीगल होगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से आप करते हैं कोई भी नॉन अटेंडिंग कोर्स। अब दोस्तों होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमें अपनी मार्कशीट्स भेजी हैं, हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं कई लोगों ने, और उन्होंने हम लोगों को बड़े चौंकाने वाली एक बात कही कि सर हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम लोगों ने बट फिर भी बीएड कर ली, नॉन अटेंडिंग थी, हमें लगा कि हम कर सकते हैं और शायद यह चीज लीगल होगी। दोस्तों इलीगल है, उनकी जो उन्होंने बीएड की डिग्री ले ली वो भी इलीगल मानी जाएगी क्योंकि वो रेगुलर, या तो उनको परमिशन लेना चाहिए था, परमिशन उन्होंने अपने जॉब से ली नहीं और उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। काफी लड़कियां या काफी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमें मार्कशीट भेजती हैं और ये बोलते हैं कि सर हम लोग इस जॉब में वर्किंग थे पर हमने अपनी बीएड कर ली, 2 साल अपने लगा लिए हैं, तो अब हम क्या करें, अपना एक्सपीरियंस शो करें या अपनी मार्कशीट को शो करें। पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, रेगुलर कोर्स आपने किया है तो अपना एक्सपीरियंस तो आप शो वैसे भी नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि नॉन अटेंडिंग जो कोर्स है तो ये इलीगल बट ये कोर्स होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है यहां पर समझने की जरूरत है, जरूरत क्या है। दोस्तों जरूरत यह है कि जितने भी के लोग वर्किंग है या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो लोग चाहते हैं आगे जाकर टीचर बनना, वो चाहते हैं अच्छी एजुकेशन को लेना, तो वो लोग इन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। उनके पास मजबूरी है क्योंकि डिस्टेंस में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और जहां इग्नू से होता है वहां पर क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बट उनको इजीली हरियाणा में एडमिशन मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स की जरूरत है और इस जरूरत को गवर्नमेंट को देखना भी पड़ेगा आगे कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जाए। क्योंकि हम लोग दोस्तों हमेशा अपनी वीडियो में बोलते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी कंसल्टेंट के अगेंस्ट नहीं है, इवन हम तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी अगेंस्ट नहीं है, अगर वो लोग ठीक से
से चलते हैं तो, बट ये कॉलेज वाले क्योंकि दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कई बार आपके साथ में परेशानियां करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। तो दोस्तों ये कॉलेज वाले आपको परेशान किस किस तरह से कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको प्रिकॉशन लेना है और आपको समझनी होगी ये सारी बातें। सबसे पहली बात कि जब आपने एडमिशन लिया तो टोटल फीस कंसल्टेंट से बिल्कुल तरीके से आप डिस्कस कर लें, मेल पर सारे प्रूफ ले लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि बीएड आसानी से 75,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन नहीं होता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। डीएड की बात करें, डीएड भी आपका 75 में एडमिशन हो जाएगा। साथ ही बात करें एमएड भी, एमएड भी आपका 75,000 में इजीली एडमिशन हो जाएगा। बीपीएड की बात करें या स्पेशल बीएड की बात करें, थोड़ा ही अंतर आएगा, मुश्किल से 10-5 हज़ार रुपए का, उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट काफी बड़ा अमाउंट चार्ज किया जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स को परेशानी हो भी जाती है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हमेशा आप कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें, पूरी फीस कंसल्टेंट के हाथ में ना दें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। ये जो कॉलेजेस क्या करते हैं, ये आप लोगों का एडमिट कार्ड या आप लोगों को जो परेशान करते हैं इसी बेस पर करते हैं कि हमारे पास तो फीस ही नहीं आई। बट अगर आप पूरी फीस कॉलेज को ही ट्रांसफर कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपने फीस टाइम से दी है कॉलेज को, टाइम से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आने वाली। किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिए। जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो याद रखें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपका ग्रेजुएशन में आपके या मास्टर्स 50% मार्क्स हैं, आपने काउंसलिंग की, काउंसलिंग में नंबर आ गया, कॉलेज में आपका नंबर आ गया, तो जो कंसल्टेंट से आपने बात की थी, कि कंसल्टेंट जरूरी हो जाता है इन सब नॉन अटेंडिंग वगैरह के लिए, तो इसीलिए आप कंसल्टेंट को बीच में जरूर रखें। आपने एडमिशन ले लिया, बाद में भी कई तरह की हेल्प करता है कंसल्टेंट अगर कॉलेज आपके साथ में कोई भी परेशानी करता है तो। अब जो फीस बनती है, मान लीजिए 10,000 आपने उसको कंसल्टेंसी उसकी दे दी या 5,000 दे दी, तो बची अब ये 70,000 फीस। जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाए, 35,000 फर्स्ट ईयर की फीस कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उससे कंसल्टेंट से बोलिए कि मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा नोड्यूज मुझे लाकर दे दो, ताकि ये क्लियर रहे कि मैंने फर्स्ट ईयर की अपनी पूरी फीस पे कर दी है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास आपका नोड्यूज होना बहुत जरूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब ये कॉलेज वाले और कहां परेशान करते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद सीधा ये लोग आपको परेशान करेंगे जब एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का टाइम आएगा। तो अक्सर ये लोग स्टूडेंट से एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं एग्जाम फीस के नाम पर, बट ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम फीस मत दीजिए, सब कुछ उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। और अगर कोई कंसल्टेंट भी आपसे मांगता है कोई एक्स्ट्रा फीस, तो देने की जरूरत नहीं है, वो सब इसमें इंक्लूड है। आगे आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल का नंबर। दोस्तों प्रैक्टिकल में कॉलेज बोलता है कि हम लोगों से आके फाइल खरीदिए, जबकि फाइल आप अगर बना लेते हैं, जाके चेक करवाते हैं, साइन हो जाते हैं, तो वो फाइलें चल जाती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट कॉलेज फ्री प्रेशराइज करते हैं कि हम लोगों से आइए, 2,500-4,000 रुपए की फाइल खरीदिए, उसको जाके आप आगे प्रोसीड कीजिए। उसके बाद जब प्रैक्टिकल के लिए ऑब्जर्वर्स आते हैं तो वहां पर भी लोग पैसे की डिमांड कर देते हैं। साथ में ही जब एडमिट कार्ड आता है या पास हो जाते हैं तो मार्कशीट देने के नाम पर कुछ पैसे लोग चार्ज करते हैं। दोस्तों ये सब चीजों से बचने के लिए जो आपका कंसल्टेंट है उसकी ड्यूटी लगाओ, उसको बोलो कि आप हमारा सारा काम करके देंगे ये चीजें, और आप सब चीज उनसे अगर हो सके तो मेल पर ये सब चीजें एविडेंस ले भी लो, अगर हो सकता है तो। वैसे देगा कोई भी नहीं आपको, बट आप मांग सकते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी के लिए एक बात की जा सकती है। तो और आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप समझ लीजिए। बीएड करने के लिए एनसीटी का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आपने एडमिशन लिया सीआरएसयू में लिया, एमडीयू में लिया, या आपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में लिया, या फिर कोई भी एक बहुत सारी यहां पर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको हरियाणा से बीएड दे देंगी, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कॉलेज अलॉट होगा, हालांकि वो 100% एनसीटी अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज उसमें सीट आपकी अलॉट होगी नहीं, तो एनसीटी का क्वेश्चन यहां से हट जाता है। बट आप अगर ले रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो उसका एनसीटी अप्रूवल जरूर चेक करें, वरना आपकी बीएड किसी काम की नहीं होगी। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी से किया है, बट इस यूनिवर्सिटी के पास तो कोर्ट का ऑर्डर है। दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर है ठीक है, बट बाद में जब वैकेंसीज आती है तो अक्सर उसके ऊपर सवाल या जवाब खड़ा हो जाता है, क्वेश्चन उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसमें आप लोग फंस सकते हो। दूसरा आता है स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी है। स्पेशल बीएड करो, स्पेशल डीएड करो, चाहे स्पेशल एमएड करो, उसके लिए इन चीज का अगर अप्रूवल नहीं है तो वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को नहीं करा सकती है। साथ में हम लोग बात करते हैं बीपीएड की। बीपीएड की भी अलग अलग क्राइटेरिया है, ये 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, वो डिपेंड करता है, वो मैं अलग एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ये चीज समझ सकते हैं। 4 साल की भी बीएड होती है, वो भी एक अलग चीज है, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि बीएड जो होती है इसका अस्तित्व क्या है। दोस्तों बीएड जो थी ये 2014-15 का लास्ट बैच था 1 साल का, उसके बाद ये बीएड हो गई 2 साल की। 15-17 का पहला बैच आया 2 साल का, फिर 16-18 आया, फिर 17-19 आया, फिर 18-20 आया, मतलब जो 20 में जो भी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं लोग, उनका 18
18 से 20 का बैच है, फिर आया 19 से 21, मतलब जिनका 20 में फर्स्ट ईयर है उनका बैच है 19 से 21 का, और जो लोग अभी एडमिशन लेंगे उनका बैच चलेगा 20 से 22 का, क्योंकि बीएड अभी 2 साल की कराई जाती है। 2014-15 जो लास्ट बैच था हम लोगों का एक साल का बीएड का, उससे पहले बीएड एक साल की होती थी तो एक साल की ही बीएड काउंट होती थी, अभी 2 साल की होती है, 4 साल की बीएड भी अवेलेबल है, आप उसमें बीए बीएड बीकॉम बीएड बीएससी बीएड आप लोग कर सकते हो, 4 साल की होती है जो कि 12th के बाद कराई जाती है। साथ में एक और कोर्स होता है जो एक साल की बीएड अभी होने वाली है, जो हमारी एजुकेशन नीति आयोग जो हमारा है उसने जो भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अनुसार जो अभी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, 2021 से 22 का पहला बैच होगा एक साल की बीएड का, जो कि आप मास्टर्स के बाद कर सकते हो। तो आपने अगर बीएड में एडमिशन नहीं लिया है, आप चाहते हैं एक साल की बीएड का करने मास्टर्स के बेस पर, तो आप वेट करें, अदरवाइज 2 साल की आप बीएड को आप प्रोसेस करें। इनमें से कोर्सेज में से या किसी भी एलिजिबिलिटी या किसी भी तरह की चीजों के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फेसबुक पे कमेंट करें या व्हाट्सएप करें, हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और सब कुछ बताएंगे जो कुछ आप जानना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बातों को आप गांठ बांध ले, अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से सुना हो ध्यान से देखा हो। पहली बात, आप किसी भी वर्किंग किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी भी तरह की सर्विस कर रहे हैं, बीएड गलती से भी रेगुलर ना करें, बेशक ये नॉन अटेंडिंग है बट इलीगल है, तो इसी तरह से आप फंस सकते हो कि दोनों चीज आप एक साथ शो नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि जब भी एडमिशन लें कंसल्टेंट से क्लियर कर लें कि आप इनिशियल पेमेंट देंगे, बाकी सारी पेमेंट आप कॉलेज में करेंगे, पूरी पेमेंट कंसल्टेंट को नहीं देंगे अगर आपको बचना है तो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी है, आप सीधा हमें कॉन्टेक्ट करें, हम लोग आपको बताएंगे जो भी एक बेस्ट कॉलेज होगा उसके बारे में। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखनी है, जो प्रैक्टिकल नाम पर पैसे मांगता है कॉलेज या फाइलों के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, एग्जाम फीस के नाम पर मांगता है, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कोई आपसे जरूर मांगता है या आपका कॉलेज आपको परेशान करता है, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारी एनजीओ आपकी बिल्कुल मदद करेगी, जो भी हम लोगों से बन पाएगी, जो भी हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे। हमने पहले भी कई कॉलेजों के अगेंस्ट कंप्लेंट की है तो बाद में सॉल्यूशंस निकले हैं और कंसल्टेंट उन चीजों से बाहर निकले हैं। कोई भी कंसल्टेंट भाई परेशान है किसी भी कॉलेज से, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी मदद करेंगे और आपकी चीज का सॉल्यूशन 100% निकलेगा, ये हमारा वादा है आप लोगों से। दोस्तों, आपने एडमिशन ले लिया बीएड डीएड या एमएड में या स्पेशल बीएड या बीपीएड में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है टाइम से माइग्रेशन जमा कर देने का। अगर आपने माइग्रेशन टाइमली जमा नहीं किया तो याद रखना जो पेनल्टी होती है भारी भरकम होती है, 5,000-6,000-8,000 तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसीलिए जब आपने एडमिशन लिया, जैसे अभी चल रहा है बात हम करें, अभी जून चल रहा है, एडमिशन आपने ले लिया तो अक्टूबर से पहले पहले 15 अक्टूबर से पहले पहले आपका माइग्रेशन यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना चाहिए या फिर कॉलेज तक पहुंच जाना चाहिए। और कॉलेज से बार बार आप बात कर लें कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं तो आप हमें बताएं। अभी जो रिजल्ट आया है, जो हमने वीडियो डाली थी, कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर यहां पर हमारा आरएल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे, डॉक्यूमेंट शॉर्ट थे, इसी वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। यही आपके साथ होगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी नॉन अटेंडिंग बीएड के बारे में जो हरियाणा से कराई जाती है। फिर भी आपके दिल में जहन में कोई भी किसी तरह का डाउट या सवाल रह जाता है डीएड बीएड एमएड बीएड स्पेशल और बीपीएड के बारे में या और भी किसी कोर्स के बारे में जो टीचिंग रिलेटेड है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर एक इंडिविजुअल एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे जो कुछ आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा सब कुछ नॉन अटेंडिंग बीएड के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस मैं लेकर आ सकूं आपके लिए, आपको अवेयर बना सकूं एजुकेशन की दुनिया के बारे में। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।